70-80 हज़ार रुपया इजी हो का बजट। इस वक्त आपके पास क्या क्या आइटम है, आपने रेडी के ऊपर क्या क्या लगाया हुआ है, आप ये सामान मंगवाते कहाँ से, आपको काम करते हुए कितना अरसा हो गया? अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। आज एक जबरदस्त किस्म की मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं उसामा, ये 8th क्लास में पढ़ रहे थे और इनका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। इन्होंने काफ़ी अरसा आवारा गर्दी की, फिर वालदैन की नसीहत करने पर इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। 1 से 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से इन्होंने ये रेडी लगाई और इस रेडी लगाने के बाद ये महीने का 70 से 80 हज़ार रुपया कमाने लगा। हम ये उसामा भाई से जानेंगे कि ये कारोबार इन्होंने कैसे शुरू किया और क्या क्या आइटम हैं और ये कहाँ से मंगवाते हैं और सेल किस तरीके से करते हैं, और इनसे ये जानेंगे कि ऐसी क्या बातें हैं जिनका अगर ख्याल रखा जाए तो एक कोई सा भी आम सा बच्चा कारोबार शुरू कर सकता है। बहुत सारे सवालात करेंगे, हमारे साथ उसामा भाई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसामा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं इस वक्त आपके पास क्या क्या आइटम है, आपने रेडी के ऊपर क्या क्या लगाया हुआ है? पेशकश वगैरह, मोबाइल किट है सारे, प्लास प्लूज ये वो सब उजार वगैरह मौजूद है गाड़ियों के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये सामान मंगवाते कहाँ से? सियालकोट से। आपने ये कितने में शुरू किया था कारोबार? 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट से इसमें। और महीने का अब आप कितना बचा लेते? 70-80 हज़ार रुपया इजी होकर बचते। मुझे ये बताएं कि ये आप रेडी कितने बजे लगाते हैं और कितने बजे तक लगाते हैं? सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक लगाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सामान आपके पास है ये सारा का सारा सियालकोट से आता है या लाहौर से भी कोई सामान आप लेते हैं? कुछ लाहौर से लेते हैं, कुछ सियालकोट से आता है, जो वहाँ पर चीज़ें सस्ती है वो वहाँ से लेते हैं, जो जहाँ पर महंगी है वो तो लानी पड़ती है। अच्छा, मुझे ये बताएं उसामा भाई कि आपका ये जो सामान है ये सिर्फ दूर दराज से लोग सिर्फ यहाँ से आपसे ख़रीद कर जाते हैं या आप उनको किसी ना किसी तरीके से बिल्टी करवाते हैं या TCS के ज़रिए या दूसरे तरीके से भी भिजवाते हैं? लोग हमारे इधर खुद ही आते हैं, बाहर पिंडी वगैरह बाहर के इलाकों से आते हैं, खुद ही खरीद के जाते हैं इधर से। अच्छा, ऐसी क्या बातें हैं जिनकी वजह से अगर इंसान ख्याल ना करे तो कारोबार में नुकसान हो जाता है? वारा गर्दी, टाइम गुजारना, वक्त ज़ाया करना, इसलिए इंसान काम हो जाता है। आपको काम करते हुए कितना अरसा हो गया? मुझे 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से आप मुसलसल काम कर रहे हैं। आप छुट्टी कौन कौन से दिन करते हैं? छुट्टी सिर्फ संडे की होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं उसामा भाई कि इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तान में जवान हैं जो पबजी में, वीडियो गेम में और फुटबॉल में, क्रिकेट में अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ ये कारोबार में आए, बस यही आगे कुछ काम आना है, ये पबजी वगैरह काम नहीं आने आते। बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये हमारे साथ उसामा भाई थे। आपने देखा कि इन्होंने 1 से 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से कारोबार शुरू किया और महीने का 70 से 80 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। ये अपने वालदैन का और छोटे बहन भाइयों का सहारा बने हुए हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो अपने वालदैन के ऊपर बोझ बन के बैठे हुए हैं, कारोबार नहीं करते, काम नहीं करते, तो उनसे गुजारिश ये है कि इस बच्चे से इंस्पिरेशन लें कि ये देख लें कि ये 7 साल से काम कर रहे हैं, तो आपको भी इसी तरीके से काम करना चाहिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और हमारे पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और उसामा भाई को इजाज़त दें इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।